एक समय था जब बंगाल से हिल्सा का निर्यात होता था और अब एक समय आया है कि हिल्सा बाहर से मंगानी पड़ती। एक तरफ यहाँ की सरकार ने हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिए और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी मोदी सरकार मछुआरों का रोजगार छीनने में लगी। भाजपा और तृणमूल ने मिलकर मछली पकड़ने वाले भारतीय ट्रॉलर्स पर तो रोक लगा दी है, लेकिन पड़ोसी देश के ट्रॉलर भारत के इलाके में खुलेआम हमारी मछलियां पकड़कर ले जा रहे हैं। सरहदों की रक्षा को लेकर रोज बड़े बड़े दावे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आपकी मछलियां तो बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारी सरहदों की रक्षा कैसे करेंगे? अभी हाल की पठानकोट की घटना एक जीती जागती मिसाल। केंद्र में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो हमने तमाम योजनाओं के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना शुरू की थी ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले। नरेगा में रोजगार के लिए हर साल 3 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल में अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंगाल के लोगों के पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और ममता जी रोजगार के जो बड़े बड़े वादे करते हैं, यही उनके रोजगार के दावे की असली तस्वीर।